पॉलिटिक्स के खेल में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो है पॉलिटिकल लीडर की सुरक्षा। सुरक्षा के बिना एक पॉलिटिकल लीडर को अपने घर से एक छोटे से मॉल में जाना भी मुश्किल है। आज के समय में अगर किसी को सबसे ऊपरी लेवल की सुरक्षा मिली है तो वो और कोई नहीं बल्कि US प्रेसिडेंट ही है। और ये होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 200 साल के इतिहास में अमेरिका ने 4 प्रेसिडेंट को खोया है, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या जॉन एफ कैनेडी। उन दोनों की मौत हो गई जिसका कारण उनकी कमजोर सिक्योरिटी साबित हुई। साल 1865 में ये वो समय था जब पहली बार US सिक्योरिटी सर्विस का जन्म हुआ। फिर 1901 से इसने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का ठेका अपने सर पर ले लिया। अब प्रेसिडेंट चाहे तो अपने कमरे में बैठकर आराम तो कर सकता है, मगर उनके घर से बाहर निकला हुआ हर कदम इसी US सिक्योरिटी सर्विस के निगरानी में होता है। प्रेसिडेंट के बोलने पर किसी को चुपचाप जाना पड़ता है, मगर जब बात सिक्योरिटी की आए तो तब उन्हें खुद अपनी सिक्योरिटी के इशारों पर चलना होता है। वहीं यूनाइटेड सीक्रेट सर्विस में शामिल होना किसी मुश्किल काम से कम नहीं। लगभग 7,000 मेंबर जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगे हैं, जिसमें महिला और मर्द दोनों मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इसमें शामिल होने के लिए कई सारी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। एक देश की सुरक्षा प्रेसिडेंट के सर पर होती है, इसलिए प्रेसिडेंट की भी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी एक देश की। आखिर प्रेसिडेंट की सुरक्षा किस तरह से करी जाती है? असल में पिछले 200 साल में US ने 4 प्रेसिडेंट खोने के बाद ये बात जरूर सीख ली थी कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा आम व्यक्ति की तरह नहीं की जा सकती। US प्रेसिडेंट की सुरक्षा में 3 परत की सुरक्षा मौजूद होती है, जिसमें सबसे अंदर सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं, फिर बीच में सिक्योरिटी सर्विस एजेंट और सबसे बाहरी पुलिस मौजूद होती है। ये तीनों परत प्रेसिडेंट की मुश्किल से मुश्किल हालत में भी सुरक्षा दिया करती है, जो कि कोई आम सिक्योरिटी किसी को नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट के पास कई सारे काम होते हैं, जिसमें उन्हें एक देश से दूसरे देश तक जाना पड़ सकता है। अब दूसरे देश की बात आती है, तब प्रेसिडेंट के दुश्मन बाहरी देश में भी मौजूद है। अब इस बाहरी खतरे को खत्म करने के लिए ये जिम्मेदारी उनके ही सिक्योरिटी सर्विस पर आता है। जब भी प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में जाते हैं, तब उनकी सिक्योरिटी पहले ही 3 महीने में उस बात का पता लगा लेती है। आखिर उस देश में उनके रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होगी, और इसके लिए वो उस देश के लीडर और वहाँ की सिक्योरिटी से पहले ही बात कर लेते हैं। जब हर तरफ से खतरे के संकेत दिखने बंद हो जाते हैं, तब प्रेसिडेंट को आगे चलने की परमिशन दी जाती है। इसलिए जिस प्रेसिडेंट के बोलने पर पूरा देश शांत हो जाता है, उसे खुद अपने सुरक्षा बल की बात सुननी पड़ती है। एक अच्छी नींद और अच्छा वातावरण किसी भी व्यक्ति के लिए इच्छा नहीं बल्कि एक जरूरत है। अगर अच्छी जगह पर इन दोनों चीजों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का उस दूसरे देश में जाने का मजा किरकिरा हो जाता है। सिक्योरिटी सर्विस एक ऐसे होटल का इंतजाम करती है जो हर तरफ से सुरक्षित और मुसीबत फ्री हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या एक छोटे से कुत्ते का अटैक। वहीं ये बात मायने नहीं रखती वो खतरा कितना छोटा है, मगर सफर के दौरान प्रेसिडेंट को सुई भर भी चोट आती है तब इसका जिम्मा सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर आता है। इसी चीज को देखते हुए जिस होटल में प्रेसिडेंट ठहरने वाले होते हैं, उसे पूरे सुरक्षा के साथ जांच किया जाता है। यहाँ तक उस पूरे होटल को उस समय तक बुक कर लिया जाता है जब तक वो उसमें ठहरने वाले होते हैं। होटल के ऊपर के 2 फ्लोर और नीचे के 2 फ्लोर को हमेशा खाली रखा जाता है, जहाँ सिर्फ उनके सिक्योरिटी का आना जाना ही हो सकता है, और आम जनता तो उस होटल में घुसने का तो सोच भी नहीं सकती। खैर, इसी के साथ होटल के सभी खिड़कियों पर कवर लगा दिया जाता है ताकि अंदर का कुछ भी दिखा ना जा सके, प्रेसिडेंट को पूरी सुरक्षा मिल सके। वहीं होटल के देखभाल के लिए सीक्रेट सर्विस से लेके उस देश की पुलिस भी लगी रहती है, जो ये देखती है कि कोई भी खतरा उस होटल के करीब भी ना आ सके। आज के समय में हर कोई जानता है कि आखिर एक मिसाइल और न्यूक्लियर के धमाके से किस तरह की तबाही हो सकती है। शायद ही कोई होगा जो इस खतरे से रूबरू होना चाहेगा, मगर हैरानी की बात तो ये है कि जिस खतरे के बारे में सोच नहीं सकते, उसे खुद प्रेसिडेंट अपने साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई सुपर हीरो है, बल्कि उनके पास वो जादुई चीज है जिसके इस्तेमाल से वो खुद को मिसाइल से बचा सकते हैं। जब प्रेसिडेंट किसी अनजान जगह पर मौजूद होते हैं, तब उनके सुरक्षा के पास सिग्नल जैमर मशीन होता है। ये सिग्नल जैमर मशीन सिर्फ आसपास के फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ वो उन मिसाइल्स को भी उल्टा मोड़ देता है जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। असल में प्रेसिडेंट के सुरक्षा गाड़ी के ऊपर एक खास तरह का एंटीना मौजूद होता है, जो किसी भी मिसाइल के सिग्नल को कैच करता है और उसे पास
पास आने से रोकने के लिए उसे मोड़ देता है। हर पॉलिटिकल लीडर की उसकी एक मन पसंदीदा कार होती है जिससे वो अपने सफर के लिए इस्तेमाल किया करता है, और जितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है उतनी ही महंगी उसकी कार और उसके अंदर मौजूद सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। इन्हीं कार के जरिए वो सभी अपने आप को बाहर के खतरे से बचा पाते हैं। अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट की तो उनके सफर का साथी कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट नाम की कार होती है। ये कार कोई आम कार नहीं बल्कि इसमें वो सभी हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद है जो किसी भी अंदर बैठे इंसान को बाहर के खतरे से बचा के रखते हैं, चाहे वो कार की ग्लास ही क्यों ना हो जो 5 मीटर मोटी ग्लास की मजबूती से बनी होती है जिसपे अगर मशीन गन से भी हमला होता है तो अंदर बैठे इंसान पर रत्ती भर भी हमला नहीं होगा, उल्टा वो आराम से चाय की चुस्की ले रहा होगा। कार में ये सुविधा भी मौजूद है, जब कभी गलती से अंदर बैठे व्यक्ति को कुछ भी होता है तब कार में कुछ चीजें ऐसी भी है जो उस दौरान काम आ सकती है। वहीं प्रेसिडेंट की कार जितनी बाहर से सुरक्षित है उतनी अंदर से भी है, मगर उसके बावजूद अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी होता है तब उनके लिए पहले से ही हेल्थ किट मौजूद होता है जो मुसीबत पड़ने पर प्रेसिडेंट के काम आ सकता है। प्रेसिडेंट की बीस्ट सिर्फ नाम की बीस्ट नहीं बल्कि इसमें कई सारे अनोखे फीचर्स है जो इसे एक बीस्ट से कम नहीं बनाता। आम कार की तरह इसे बाढ़ से खोला नहीं जा सकता क्योंकि इसके गेट पर कोई भी की होल मौजूद ही नहीं है। अगर की होल मौजूद ही नहीं है तब किसी भी हमलावर को दरवाजा खोलना किसी मुसीबत से कम नहीं। मगर सवाल आते हैं कि खुद US प्रेसिडेंट इस कार के बाहर कैसे आते होंगे। इसका जवाब सिंपल है, उनकी सुरक्षा के पास खास तरह की नॉलेज है जो कि सिर्फ वही जानती है कि किस तरह से इस कार के गेट को खोला जाए। अब यहाँ एक सवाल भी उठता है कि क्या प्रेसिडेंट की गाड़ी कभी खराब होती है? नो डाउट इंसान की बनी हुई चीज कभी ना कभी खराब होती है, मगर द बीस्ट के केस में इसे कैसे संभाला जाता है? असल में द बीस्ट की रिपेयरिंग के लिए एक खास मैकेनिक को रखा जाता है जो प्रेसिडेंट के कार से चंद पल की दूरी पर ही मौजूद होता है, और जब भी कार खराब होती है तब उस वक्त वहाँ वो ठीक करने आ जाता है। और ये मैकेनिक इकलौता ऐसा बंदा होता है जिससे कार के अंदर की सभी बनावट की जानकारी होती है। हमने अब तक ये देख लिया कि आखिर प्रेसिडेंट की द बीस्ट कैसे एक आम कार से अलग है, मगर क्या कार चलाने वाला भी कोई आम इंसान ही होता है? जी नहीं, क्योंकि कार चलाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक अच्छी ट्रेनिंग वाला व्यक्ति होता है जिसने खास प्रेसिडेंट की कार चलाने के लिए अलग से ट्रेनिंग ली होती है। असल में प्रेसिडेंट के ड्राइवर को उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जहां वो कोई हमले के वक्त कार को 360 डिग्री मोड़ कर वहां से प्रेसिडेंट को सही सलामत बाहर निकाल सके। यानी कि प्रेसिडेंट के बगल में बैठने वाले ड्राइवर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, और अगर उससे एक भी गलती हुई तो प्रेसिडेंट के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए ड्राइवर को कई सारी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और तब जाके उसे प्रेसिडेंट के बगल में बैठने का मौका हासिल होता है। खैर हमने ये जरूर जान लिया है कि आखिर प्रेसिडेंट के कॉन्वे के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट के रोजमर्रा खर्चे के बारे में तो असल में इस चीज का जवाब ना ही हमारे पास है और ना ही किसी बड़ी न्यूज कंपनी के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट के ट्रैवल का खर्चा एक गुप्त रखने वाला खर्चा है जो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी सर्विस को ही पता होगा। मगर हम ये जरूर बता सकते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट के रोजमर्रा सुरक्षा के लिए कितने खर्चे होते होंगे। जब ओबामा US के प्रेसिडेंट थे तब उनकी सुरक्षा में सबसे कम खर्चे हुए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट के साथ कंट्रोवर्शियल किस्म के आदमी थे, इसलिए उन्हें मुसीबत में डालने वालों की संख्या कई तादाद में थी। इसी कारण से उनकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। अगर बात करी जाए एवरेज US प्रेसिडेंट रोजमर्रा खर्च के बारे में तो यह आंकड़ा $2 मिलियन हर दिन पर जा सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज में 16 करोड़ के आसपास। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।